हेलो गाइस, वेलकम टू नाइट आउट क्लासेस. आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ रामसर साइट्स, ठीक है, जो कि सारे गवर्नमेंट जॉब में एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है. अगर वो इस साल होगा, अगर चर्चा में होगा, तो जरूरी पूछा जाता है. इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला है द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड. इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, वेयर इट वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971. बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा देखा गया है कि पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, तो वही याद रखना है आपको कि वो ये था 2 फरवरी 1971, ठीक है. ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है. अच्छा, इसका नाम रामसर क्यों रखा? क्योंकि ये एक ईरान में सिटी का नाम है, ठीक है, जहां पे ये साइन किया गया था. इसलिए अगर हम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वो भी याद रखना. जब साइन किया होगा तभी मनाया जाएगा, तो वो भी क्या है 2 फरवरी, ठीक है. अगर देखा जाए जो हमारे अभी अभी 2022 का इंडिपेंडेंस डे हुआ है, उसमें हमने क्या किया है, 11 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किए गए, 11, ठीक है. कुछ जो है, चार जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, 3 उड़ीसा से है, 2 हमने ऐड किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और एक ऐड हुए हैं मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, अगर टो सॉरी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में. अगर टोटल रामसर साइट्स इंडिया का पूछ लिया जाए कितना है, तो वो है 75, ठीक है. इधर पे मैंने आपको स्टेट एंड टोटल रामसर साइट्स गिवन दिए. अगर आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे सिर्फ एक है, आसाम में एक है, ठीक है. सबसे ज्यादा रामसर साइट्स देखा जाए तो वो कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, सबसे ज्यादा हमें दिख रहे हैं वो तमिलनाडु, ठीक है. सबसे कम की तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें एक एक है. टोटल कितने हमारे पास? टोटल हमारे पास है 75. नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेम इस साइड के बने, आप अपनी कॉपी में भी इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जब भी एग्जाम हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. नेम ऑफ द रामसर साइट, सबसे पहला है चिलिका लेक. चिलिका लेक बहुत ही सुंदर लेक है, सबने देखी होगी, सबने देखी भी नहीं होगी तो सुनी तो होगी, ठीक है. वो इस तरीके से दिखती है. ये हमारा कहाँ पे, ये हमारा उड़ीसा में है. अक्सर रामसर साइट्स कैसे पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग के थ्रू भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी अगर स्टेट सॉरी कभी कभी ना हाँ स्टेट वाइज या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है. तो चिलिका लेक याद रखना है हमारा कहाँ पे है, चिलिका, उड़ीसा, ठीक है. और ये कब हमने बनाया था, ठीक है. क्यों लाडो लाडियो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है. ये एग्जाम में आता रहता है ज्यादातर, ये भी हमने यहाँ पे किया. हरीके वेटलैंड, हरीके वेटलैंड ये नाम सुनते ही पता चल गया हाँ ये पंजाब की बात हो रही होगी, है ना. और ये हमारे 23 मार्च 1990 में साइन हुआ था, डिजाइन किया गया था. लोकतक की बात करें, लोकतक ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये हमारा मणिपुर में है, विष्णुपुर में. ये क्या है, ये फ्लोटिंग टाइप यहाँ पे बने हुए हैं ना. आपने फोटोज बहुत बार देखी होगी लेकिन आपको पता नहीं हमको कभी कभी बताया था, 23 मार्च 1990 में. अगर सांबर लेक की बात की जाए तो ये राजस्थान सांबर, ये हमने साइन किया डिजाइन किया था 23 मार्च 1990. वुलर लेक के बारे में सबने सुना होगा, ये तो सबको ही पता होता है, ये जम्मू कश्मीर में. इसी तरह से कांजली वेटलैंड, ये है कपूरथला पंजाब में, ठीक है, कांजली. नेक्स्ट है रोपर वेटलैंड, ये भी हमारा पंजाब में आता है. अष्टमुड़ी, ज्यादातर ये मुड़ी वाली चीजें हो रही होती है, या फिर ऐसी थोड़ी मतलब देखने में आपको लगेगा कभी कभी साउथ की बात हो रही है, कहीं साउथ साइड की हो रही है, तो ये हमारा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हमने करंट अफेयर जनवरी में एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये हमारा केरला में. भीतरकनिका मैनग्रोव्स, ये हमारा उड़ीसा में. भोज वेटलैंड, भोज कहाँ होगा, ये भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश. अगर दीपर बिल की बात की जाए तो ये गुवाहाटी में है. इसके बारे में ज्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है लेकिन हाँ हो सकता है इस बार पूछ लें. ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये तो नाम में ही पता है कि कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है. कोलेरू नेशनल पार्क, ये हमारा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है. पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ या फिर बर्ड सेंचुरी बोले तो ये हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में है.
पोंग डैम लेक ये कहाँ है, ये हमारा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। सस्तम कोटा लेक यहाँ कोल्लम में, कोल्लम में हमारा एक और अभी पहले स्लाइड में हमने पढ़ा है। तसो मुरोरी ये कहाँ है, तसो में। ये ज्यादातर चीजें याद रखना है, ये जो TSO है ये ज्यादातर चीजें ना लद्दाख में होती है। वेम्बनाड कोल वेट लेक ये है हमारा केरला में। चंद्रताल ये कहाँ है, ये वैसे किसी ने सोचा नहीं होगा हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि चंद्र और ताल है ना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश होरेका वेटलैंड ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में। रेणुका ये हमारा है हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर वेलागढ़ त्रिपुरा। सुरिनसर मानसर लेक ये हमारा जम्मू कश्मीर में। अपर गंगा रिवर जो कि है ब्रिजघाट या फिर नरमुरा के बीच, ये हमारा यूपी में। नान सरोवर बर्ड सेंचुरी ये तो बहुत बार सुना होगा गुजरात के अहमदाबाद। सुंदरबन तो सबको ही पता रहता है वेस्ट बंगाल में। नंदोर मादा महेश्वर ये हमारे नासिक महाराष्ट्र में। नवगंज बर्ड सेंचुरी ये है हमारे यूपी में। सरसाई नवार झील ये भी यूपी में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये हमारा है हरीके पंजाब, हरीके वेटलैंड भी पंजाब में है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब में। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा पंजाब। कभी कभी स्टेट पीसीएस में क्या होता है ना, जो स्टेट पीसीएस का वेटलैंड मतलब स्टेट का ही जो वेटलैंड होता है ना वो पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि ये नंगल वेटलैंड सॉरी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये पंजाब में है, तो ये कभी पूछ ले कि ये कहाँ पे है ना। संधि बर्ड सेंचुरी ये हमारे यूपी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी तो ये है गोंडा जो कि यूपी में है। सम्मन बर्ड सेंचुरी ये हमारे यूपी में ही है। आसान बराज ये हमारा उत्तराखंड में है। कनवार ताल या फिर कबर ताल बोलो तो ये हमारे बेगूसराय यानी बिहार में है। सूर सरोवर कहाँ होगा, यूपी में होगा आगरा। लोनार लेक ये हमारा महाराष्ट्र में। तसो तसो तो सुन के मैंने बताया था ये लद्दाख में होगा। बिंडावाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हमारा हरियाणा में है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा कहाँ पड़ेगा, ये गुजरात में। वडवाना वेटलैंड ये भी हमारा गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड ये भी हमारा यूपी में हैदरपुर है ना। फिर आता है खिजादिया नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये हमारा पड़ता है गुजरात। बखीरा वाइल्ड लाइफ पूछ ले तो ये भी यूपी में है। पालीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु। केकेल बर्ड सेंचुरी हो सकता है पूछ ली, क्योंकि ये सारे ज्यादा तो चांसेस है ये इस साल के हैं है ना, तो ये हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसमें तो स्टार ही कर लो। ये हमारा तमिलनाडु में लास्ट वाला। द नेक्स्ट पिछावरम मैंगदूम ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु। पाला वेटलैंड ये मिजोरम में है। साख्या सागर MP। तामपारा उड़ीसा। हीराकुंड उड़ीसा। अनसुपा लेक उड़ीसा। यशवंत सागर MP। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। सुचिंद्रम थ्रूर वेटलैंड ये है थ्रूर यानी तमिलनाडु। वडुवोर बर्ड सेंचुरी ये भी है तमिलनाडु। कजरीकुलम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। थाने यानी महाराष्ट्र। गियोम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये हमारा है जम्मू कश्मीर में। शेलबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में। कुंतंग कुलम बर्ड सेंचुरी ये हमारा तमिलनाडु। युधायमर्थम सॉरी मुझे नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ही लंबे नाम है इसलिए, तो ये हमारा तमिलनाडु में। वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी ये भी हमारा तमिलनाडु में। वेल्लोर बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। वेमगनोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु। अच्छा गल्फ ऑफ मन्नार तो सबको ही पता होगा ये तमिलनाडु में, क्योंकि हमारे नीचे के साइड में मिलता है। सिरपूर वेटलैंड ये हमारा MP में है।
रंगनाथ थी तू, बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है, नंदा लेक हमारा गोवा में देखने को मिलता है, और सतकोशिया जॉर्ज जो है हमारा उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार ऐसे ही देख लो रोज, तो आपको नॉर्मली रिवाइज होगा। जरूरी नहीं है आपको सारी चीज देखनी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको 2022 वाले अच्छे से लर्न करनी है, उसके बाद ही आपको पहले ईयर्स के देखने हैं, ठीक है। थैंक यू, मेरे साथ बने रहे।